हेलो चिल्ड्रेन, आज बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन आइसोलेटेड मैग्नेट और सिंगल पोल। हालांकि देखिए, कोई सिंगल पोल कभी होता नहीं है, या आइसोलेटेड मतलब सिंगल, कभी भी सिंगल पोल नहीं होता है। लेकिन मान लेते हैं कि यदि कोई सिंगल पोल है, मतलब या तो सिंगल नॉर्थ पोल है या सिंगल साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, वहां पर कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं नॉर्थ पोल है सिंगल, या कोई सिंगल साउथ पोल है, तो कहेगा कि इससे आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालिए। या कोई यहां साउथ पोल है, यहां से आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट पी है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालिए। ये जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, नॉर्थ पोल का मान लेते हैं कि पोल स्ट्रेंथ एम है, साउथ पोल का भी पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं एम है। तो तरीका यह है कि जहां कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वहां पर हम एक टेस्ट पोल रखते हैं। टेस्ट पोल का नेचर कैसा होता है, नॉर्थ पोल की तरह होता है। एक हम टेस्ट पोल रखेंगे, टेस्ट पोल की तरह रखेंगे। टेस्ट पोल क्या होता है, नेचर होता है उसका नॉर्थ पोल का। अब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहिए चाहे मैग्नेटिक इंडक्शन कहिए, इसका डिफिनेशन एक करता है कि किसी पॉइंट पर यूनिट नॉर्थ पोल रखने पर जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कहिए चाहे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहिए, सबसे पहले हम क्या करें, यहां पर एक हम टेस्ट पोल रखें। ये क्या है, ये टेस्ट पोल है, इसको हम लोग कहेंगे टेस्ट पोल कहेंगे। अब ये आइसोलेटेड सिंगल पोल है, तो ये सिंगल पोल और टेस्ट पोल के बीच में फोर्स कितना लगेगा, फोर्स बिटवीन आइसोलेटेड मैग्नेट एंड टेस्ट पोल। मैग्नेट और इस टेस्ट पोल के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो जैसा कि आप पढ़े हैं कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसका पोल स्ट्रेंथ एम हो गया, टेस्ट पोल का पोल स्ट्रेंथ एम नॉट हो गया बाय आर स्क्वायर। और ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहां भी नॉर्थ पोल है, यहां भी नॉर्थ पोल है, दोनों में रिपल्सन फोर्स लगेगा, फोर्स। उसी तरह यदि हम यहां देखें, तो यहां पर साउथ पोल है, यहां पर नॉर्थ पोल है, ये दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा एफ, जिसको हम लोग आर कैप से डिनोट करते हैं। यह यूनिट वेक्टर है, यही डायरेक्शन बताता है। तो यहां पर फोर्स का वैल्यू निकल गया, फोर्स बिटवीन आइसोलेटेड मैग्नेट एंड टेस्ट पोल। मैग्नेट और टेस्ट पोल के बीच का फोर्स हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई एम एम नॉट बाय आर स्क्वायर, जहां एम है नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ, एम नॉट है टेस्ट पोल का पोल स्ट्रेंथ, और आर हो गया दोनों का बीच का डिस्टेंस, और आर कैप हो गया ये उसका डायरेक्शन बताता है, फोर्स का डायरेक्शन बताता है। देन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो फॉर्मूला पढ़े हैं फोर्स बाय टेस्ट पोल। जितना भी फोर्स लग रहा है, फोर्स को हम टेस्ट पोल से डिवाइड कर देंगे, तो यह मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू हो जाएगा। फोर्स का वैल्यू भर दीजिए,
म्यू नॉट बाई फोर पाई एम एम नॉट बाई आर स्क्वायर टेस्ट पोल से डिवाइड कर दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाई फोर पाई एम बाई आर स्क्वायर। देखो आर कैप हो गया, डायरेक्शन हो गई, ये हो गया जनरल फॉर्मूला। अब यही यदि हम नॉर्थ पोल के कारण हम लोग देखें, नॉर्थ पोल के कारण क्या हो जाएगा, वैल्यू तो वही रहेगा म्यू नॉट बाई फोर पाई एम बाई आर स्क्वायर, लेकिन ये डायरेक्शन क्या होगा, तो एन से पी की तरफ, इस डायरेक्शन में होगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा एन से पी की तरफ। और यही यदि साउथ पोल के लिए रहेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू साउथ पोल का, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल नॉर्थ पोल के कारण हो गया म्यू नॉट बाई फोर पाई एम बाई आर स्क्वायर, इसका डायरेक्शन हो जाएगा एन से पी। और यदि कोई सिंगल साउथ पोल है तो सिंगल साउथ पोल के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, ए हो जाएगा म्यू नॉट बाई फोर पाई एम बाई आर स्क्वायर, वैल्यू तो वही होगा लेकिन डायरेक्शन हो जाएगा, जो फोर्स का डायरेक्शन हो वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा पी से एस की तरफ, पी से एस की तरफ। यहां डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया एन से पी की तरफ, नॉर्थ पोल के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाई फोर पाई एम बाई आर स्क्वायर एन से पी के डायरेक्शन में, और साउथ पोल के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाई फोर पाई एम बाई आर स्क्वायर पी से एस की ओर, पी से एस की ओर, मतलब यहां रिपल्सन हो गया और साउथ पोल के कारण अट्रैक्शन हो गया, बी का डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स साउथ पोल, आई हो गया अवे नॉर्थ पोल। ये तो हो गया सिंगल पोल के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू। अब हम लोग देखें, यदि आपको कोई एक बार मैग्नेट, तो उस बार मैग्नेट के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू ए बार मैग्नेट। पहले तो ये देखिए, एक बार मैग्नेट है, मान लेते हैं साउथ पोल नॉर्थ पोल है, एक बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट के कारण इसके मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर इस मैग्नेट के कारण, इस बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहली बात तो यह है, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि नॉर्थ पोल साउथ पोल के डायरेक्शन में यदि हम कोई एक लाइन खींचते हैं, इसको कहा जाता है एक्सियल पोजीशन, इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल पोजीशन, या इसी को हम लोग कहते हैं इन डाउन पोजीशन, इन डाउन पोजीशन। और ये मान लेते हैं सेंटर है, सेंटर के परपेंडिकुलर यदि हम कोई लाइन खींचे, तो इस पॉइंट पर कहीं कोई पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको कहेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन, या इसी को कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो आपको बारी बारी से निकालना है कि इस मैग्नेट के यदि कोई एक्सियल पोजीशन पर कोई पॉइंट है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। उसी तरह यदि कोई मैग्नेट के इक्वेटोरियल पोजीशन पर कोई पॉइंट है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। फिलहाल आपको पता है कि यह मैग्नेटिक लेंथ हम लोग किसको कहते हैं, या इसको डाइपोल लेंथ भी बोला जाता है, मैग्नेटिक लेंथ SN, इसको 2L से डिनोट करते हैं, और इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ।
और एक टर्म हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जिसका एम से डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और ये वैल्यू होता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ, और इसका डायरेक्शन वही होता है, मैग्नेटिक लेंथ का भी डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, और मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। जो मैग्नेटिक लेंथ का जो डायरेक्शन होता है वही मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन होता है। मैग्नेटिक लेंथ हो गया 2L, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया एम मल्टीप्लाइड बाय 2L। अब हम लोग बारी बारी से देखें कि पहले देखें एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। पहला देखें एट एक्सियल पोजीशन या इन डाउन पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन या इन डाउन पोजीशन पर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये मैग्नेट है, साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, इसका लेंथ है 2L है, इसका लेंथ है 2L। अब इससे r डिस्टेंस, मतलब r डिस्टेंस कहां से रहेगा, सेंटर से रहेगा। r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमको निकालना है। क्या करेंगे, सेंटर से r डिस्टेंस, जब भी डिस्टेंस रहेगा तो r डिस्टेंस सेंटर से रहेगा। नियम यह है कि जहां कहीं भी हमको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है वहां पर हम एक टेस्ट पोल रखेंगे, वहां पर हम एक यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे। अब यदि वहां नॉर्थ पोल रखते हैं तो देखिए इस नॉर्थ पोल का मान लेते हैं पोल स्ट्रेंथ है एम, साउथ पोल का भी पोल स्ट्रेंथ एम होता है, प्लस एम एक माइनस एम लेते हैं। नॉर्थ पोल और यहां नॉर्थ पोल के बीच में रिपल्सन होगा तो फोर्स होगा रिपल्सन, तो फोर्स का डायरेक्शन होगा नॉर्थ पोल से दूर, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ पोल से दूर, मतलब पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू बीएन हो गया। उसी तरह साउथ पोल के कारण, यहां साउथ पोल और पी पॉइंट पर हम लोग यूनिट नॉर्थ पोल रखे हैं तो इसके कारण अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स साउथ पोल। अब हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका पोल स्ट्रेंथ हो गया एम, अभी हम लोग सिंगल पोल के कारण देखे थे म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर, तो आर मतलब डिस्टेंस, यहां एन से पी एन पी स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या है एन से पी की तरफ है, इसका वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई एम एनपी का, यहां से ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए सेंटर से इसका डिस्टेंस है आर, ए डिस्टेंस है एल, तो ये जो पूरा डिस्टेंस आर है इस पूरे डिस्टेंस में एल का वैल्यू घटा दीजिएगा तो यही एन से पी का बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर। एन से पी का डिस्टेंस हो गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर, जहां आर है सेंटर से डिस्टेंस है और एल है सेंटर से लेकर के नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस है। इसी तरह नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पी ड्यू टू साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के साउथ पोल के कारण क्या होगा,
म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय, अब डिस्टेंस लेंगे एस से पी, एस से पी का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगा ये अट्रैक्शन हो जाएगा पी से एस की तरफ, पी से एस की तरफ, इसका वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई एम, एस से पी का डिस्टेंस हो जाएगा, आर तो हो गया सेंटर से लेके पी, और ए डिस्टेंस हो गया यहां से एल हो गया, तो आर प्लस एल, ये हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर, डायरेक्शन हो गया पी से एस। तो इस पी पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बीएन हो गया नॉर्थ पोल के कारण और बीएस हो गया साउथ पोल के कारण, बीएन और बीएस का वैल्यू हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब दोनों को हम लोग वेक्टर मेथड से जोड़ दें। Now, resultant magnetic field at given point. दिए हुए पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चूंकि वेक्टर है इसलिए दोनों को हम लोग वेक्टर मेथड से जोड़ देंगे, bn प्लस bs। अब P पॉइंट पर दो वेक्टर है BN और BS, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जब एक पॉइंट पर दो वेक्टर है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप जानते हैं क्या करते हैं, वहां पर रिजल्टेंट वेक्टर होता है दोनों को घटा देते हैं, बड़ा माइनस छोटा, बड़े में से छोटा को घटा देते हैं। यहां हम लोग बड़ा देखें BN और BS को देखें तो देखिये BN का वैल्यू बड़ा है BS का वैल्यू छोटा है, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका बी का वैल्यू हो जाएगा, दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो बीएन में से बीएस को हम लोग घटा दी, बीएन का वैल्यू है म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस बीएस हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ए हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई एम, अंदर हो गया 1 माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर 1 बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई हो गया एम, ए हो गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई एम, अंदर हो गया क्या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सॉरी ए प्लस होगा ए माइनस होगा ए माइनस हो गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल, ये हो गया माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल, नीचे हो गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, बच गया क्या
ये वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई m। अंदर क्या हो गया 2RL + 2RL 4RL डिवाइडेड बाय R² - L² का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई m इंटू 2L × 2R R² - L² का होल स्क्वायर। ये हो गया m नॉट म्यू नॉट बाय 4 पाई m इंटू 2L मैग्नेटिक मोमेंट हो गया R² - L² का होल स्क्वायर। तो B एक्सियल पोजीशन पर हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 mR / R² - L² का होल स्क्वायर। 2 mR / R² - L² का होल स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड हो गया। यदि हम इसका डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन टुवर्ड्स लार्जर वेक्टर होता है। तो आप जैसा कि जानते हैं bn का वैल्यू bs से बड़ा है तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा। इसका यदि हम डायरेक्शन निकालें तो ये डायरेक्शन हो जाएगा जो bn का डायरेक्शन है मतलब o से p की तरफ, o के p के तरफ। मतलब डायरेक्शन कैसा होता है देखिए, o से p की तरफ मैग्नेटिक लेंथ भी है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक मोमेंट भी है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन सब एक ही डायरेक्शन में है। तो इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल टू मैग्नेटिक लेंथ एंड मैग्नेटिक मोमेंट। एक्सियल पोजीशन पर जो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया, यह रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 mR / R² - L² का होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या है तो पैरेलल है, पैरेलल टू मैग्नेटिक लेंथ या पैरेलल टू मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब मैग्नेटिक लेंथ का भी डायरेक्शन है L2n, मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन है S2n और यह जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी डायरेक्शन है H2n। मतलब इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन सब का डायरेक्शन एक ही है। इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया पैरेलल टू मैग्नेटिक लेंथ या पैरेलल टू मैग्नेटिक मोमेंट। अब कहता है तो बार मैग्नेट है तब, यदि कोई छोटा मैग्नेट, छोटा मैग्नेट किसको कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट मैग्नेट है या कंपास मैग्नेट है, तब क्या होगा। For magnetic dipole, इसी को हम लोग कहते हैं short magnet, छोटा magnet के लिए। तो कहता है कि जब छोटा magnet होगा तो यहां जो R square और L square है तो ये जो L square के compare में R square का value बहुत बड़ा होगा। R square is much greater than L square। तो आर स्क्वायर का वैल्यू एल स्क्वायर के कंपेयर में बहुत ज्यादा है तो आर स्क्वायर के कंपेयर में एल स्क्वायर को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बी एक्सियल पोजीशन पर हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 mR / R² और फिर उसका भी स्क्वायर r के पावर 4
ए हो गया म्यू नॉट बाई फोर पाई टू एम बाई आर के पावर थ्री, और डायरेक्शन वही होगा ओ से पी की तरफ या अवे टू मैग्नेट, क्या कहेंगे मैग्नेट से दूर हो गया। ये तो हो गया, यदि कोई बार मैग्नेट है या शॉर्ट मैग्नेट है तो उसके एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू क्या होता है और उसका डायरेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें कि यदि वो पॉइंट इक्विटोरियल पोजीशन पर है, इक्विटोरियल पोजीशन पर है जिसको हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं, वहां पर रहेगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू क्या होगा।